शादी में आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, इसके लिए हम वास्तु को कैसे देखेंगे? वास्तु में जब भी किसी व्यक्ति के घर में शादी के रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो हम डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को पहले एनालाइज करते हैं। अगर कोई एक व्यक्ति कहता है कि रिश्ता आ ही नहीं रहा, जब रिश्ता आ ही नहीं रहा, लोगों से जुड़ाव नहीं हो रहा, मतलब ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट में भी अगर हम देवता फील्ड्स की बात करें तो आर्यमा, आर्यमा लोगों से आपका जुड़ाव कराता है, जो ईस्ट की तरफ ही एक देवता फील्ड होता है। जब भी एक शादी विवाह का समय होता है तो उस समय वहाँ पर अग्नि सही होनी ज़रूरी होती है। अगर किसी व्यक्ति के घर में अग्नि दूषित होगी तब भी वहाँ पर कोई भी मंगल कार्य नहीं हो पाएगा। और तीसरा साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जो कि है हमारे पितरों की, जब भी किसी व्यक्ति के घर में शादी जैसी खुशियां नहीं आ रही तो वहाँ पर हम ये ज़रूर देखते हैं कि पितरों का आशीर्वाद मिल रहा है या नहीं मिल रहा। इसका मतलब साउथ वेस्ट डायरेक्शन हमारी सही है नहीं। तो मेजरली किसी भी व्यक्ति के घर में तीन डायरेक्शंस, ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, इन तीनों को देखते हैं। अगर इनमें देवता फील्ड्स की बात करें तो आर्यमा, अनिल एंड पित्रा। ओके, ठीक है सर, थैंक यू।